नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के परिवार का कोई सदस्य नहीं भाग पाएगा विदेश, क्योंकि इकबाल के साथ ही पत्नी, भाई व बेटों के भी पासपोर्ट किए गए हैं। जब आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल व उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल के बाद अब उनकी पत्नी, छोटे भाई व तीन बेटों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक माह पूर्व पासपोर्ट कार्यालय द्वारा हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। बेहट व मिर्ज़ापुर थानों में हाजी इकबाल एवं उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट कार्यालय गाज़ियाबाद द्वारा 30 जनवरी को हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार उस समय उनकी पत्नी फरीदा बेगम, छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली, बेटे अलीशान, वाजिद और अफजाल के पासपोर्ट जब्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। उसी क्रम में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा इन सभी के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने हाजी इकबाल की गिरफ्तारी पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। जी, जनपद सहारनपुर के घोषित खनन माफिया और भू माफिया हाजी इकबाल के परिवारजनों का पासपोर्ट जब्तीकरण का आदेश हुआ है, जिसमें कि हाजी इकबाल का पासपोर्ट पूर्व में ही जब्त हो चुका है, आदेश हो चुका है। और अब उनके पत्नी और बच्चे, तो उनके लड़के हैं जो कि जेल में हैं और विभिन्न अपराधों में, आपराधिक इतिहास है लंबा उनका, उनका भी पासपोर्ट जब्तीकरण का आदेश हुआ है, जिससे कि वो देश छोड़कर भाग न सकें और उनको कानून का सामना करना पड़े और जो भी उनके मुकदमे चल रहे हैं उसमें सही कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा होती रहे, इसके लिए पासपोर्ट जब्तीकरण का आदेश हुआ है और इसकी पुरजोर पैरवी पुलिस द्वारा की जा रही थी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।